हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 9th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। जिससे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 30th and 31st of August को कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, जिसमें जैसे कि आपको पता है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर लिया प्रीवियस लेक्चर्स में, एंड मीनिंग ऑफ रिसर्च पर हमने एमसीक्यूज देख लिया। तो आज के सेशन से हम नेक्स्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का आज का हमारे पार्ट वन है। लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको दो पार्ट्स में एमसीक्यूज सॉल्व करवाया है, तो आपको अच्छी तरीके से सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। अब जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है अगस्त में है, 30th and 31st of August, यानी आपके पास 1.5, यानी एग्जैक्टली अगर आप देखते हो तो 2 मंथ रिमेनिंग है। तो हम आपको बताते कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको सारे चीज़ों को फॉलो करना है। आपको बस हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, आपको गाइड हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि आप इजिली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओ। जैसे कि आपको पता है, पेपर वन कॉमन होता है, जो कि होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल एप्टीट्यूड। रिसर्च मेथोडोलॉजी जिससे कि हम लेक्चर सीरीज हम देख रहे हैं, तो आपको हम 10 to 15 लेक्चर जो है हम फ्रीली प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपको हमारा कंटेंट परचेस करना होगा। एंड जर्नल एप्टीट्यूड, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो इन दोनों यूनिट्स पर हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो सारा कंटेंट है, ये हमारे एक्सपर्ट्स की टीम ने डिज़ाइन कर रखी है, और जो सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। और ये जो कंटेंट है, 3 languages, हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज इन मराठी में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके किसी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। 100% गारंटी के साथ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा पास करवाने की आपको गारंटी हमारी होती है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है, नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशन बाकी है। एंड 1500+ एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे, जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप वन क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन रिसर्च इज, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें कौन से ऑप्शन में करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च गिवन है ये फाइंड आउट करना है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन सी, अ रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस। नो, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज हमारी रिसर्च रैंडम नहीं होनी चाहिए, हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और यू कैन से प्रोसीजर फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च। आपकी रिसर्च zigzag मैनर में नहीं होनी चाहिए, सो आपकी रिसर्च एक प्रॉपर स्टेप्स में आपको परफॉर्म करना होता है, और ना ही आपकी रिसर्च अनप्लान्ड होनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होता है, और यू कैन से एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है व्हाइल डूइंग रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन बी, प्राइमरीली कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पसेस। सो हियर स्टूडेंट्स अगेन ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, बिकॉज हियर प्राइमरीली मीन्स मेनली। ओके, सो रिसर्च क्या मेनली इसलिए कंडक्ट की जाती है, एजुकेशन पर्पस के लिए? नो, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज आप सिर्फ पीएचडी डिग्री लेने के लिए ही आप रिसर्च करते हो क्या? नहीं, आपने जो भी इंफॉर्मेशन गेन किया है उसी इंफॉर्मेशन को आपको
प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ना कि बस एजुकेशन लेने के लिए आप रिसर्च करते हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन ए, पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी. यस, इट इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च. पर्पसफुल मीन्स हियर द गोल ऑफ रिसर्च. ओके, तो रिसर्चर जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो रिसर्चर का यहाँ पर कुछ ना कुछ गोल होता है और एम होता है. जैसे इन अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे. इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है कि कोई प्रॉब्लम को डिफाइन करे. इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है कि कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करें बिटवीन दी वेरिएबल्स. मींस यहाँ पर रिसर्चर का कुछ ना कुछ गोल होता है व्हाइल डूइंग रिसर्च. देन नेक्स्ट टर्म इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी. सो यस, रिसर्च हमारी सिस्टमैटिक होनी चाहिए. मींस हमको कुछ स्टेप्स और यू कैन से कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना होता है व्हाइल डूइंग रिसर्च. सो यहाँ पर रिसर्च में आपको रिसर्च में सिस्टमैटिकनेस होनी चाहिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. So here, option is the correct answer, purposeful systematic activity. Okay, next question. Research is a continuous process of checking and rechecking, evaluating and analyzing and repeating the entire process over and over again. This characteristic of research is called. So students, इस question में हमें find out करना है कि कौन सी characteristic of research में researcher process को continuously repeat करते हैं, data को recheck करते हैं, उस data को analyze करते हैं और entire process को repeat करते हैं. Okay? So yes, this is the definition of cyclicality. Okay? So yes, the cyclicality word is made up of cycle. Okay? So yes, in cyclicality, research start with a problem or end with a problem. Means cyclicality में research आपकी एक problem से start होती है और end भी एक problem पर होती है. So for example, जैसे researcher ने एक medicine develop किया again migraine. Okay? So researcher ने ये देखा यहाँ पर कि जिन लोगों ने medicine ली, so ये migraine clear हो गया, उनका headache problem clear हो गई. Then उन्होंने researcher ने ये भी देखा कि उनका माइग्रेन तो ठीक हो गया लेकिन उनमें हेयर लॉस की प्रॉब्लम आने लगी. ओके, सो यहाँ पर माइग्रेन एक प्रॉब्लम थी और नेक्स्ट प्रॉब्लम रिसर्चर को क्या है, हेयर लॉस. मींस रिसर्चर ने यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व की विच इज माइग्रेन एंड अनदर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया एंड रिसर्चर को अनदर प्रॉब्लम आई विच इज हेयर लॉस. फिर रिसर्चर ने अगेन इस प्रोसेस को रिपीट किया. ओके, That's why it is the definition of cyclicality. Cyclicality में आप कोई process को again and again repeat करते हो. Okay? Then here option B, logical. Logical means आपकी research logical होनी चाहिए. Means research में हर चीज logic के basis पर होनी चाहिए. So in research there should be research should be based on proper reasoning. So here option B is not appropriate answer for this question. So here option B is incorrect. Then option C, systematic. सिस्टमैटिक मीन्स आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो आपको एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना होता है और यू कैन से सम स्टेप्स और कोई स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. अगेन हियर ऑप्शन सी इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, साइक्लिकैलिटी. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज. So students, here objectivity is one of the most important characteristic in research. So here in this question we find out karna hai which option is related with objectivity. So here objectivity means researcher ko apni research ko bias nahi rakhna hai. Okay, so bias means research mein research jo hoti hai researcher ki research error free honi chahiye. Okay, so let's see example. जैसे रिसर्चर ने कोई ड्रग डेवलप की अगेंस्ट कैंसर. ओके, सो रिसर्चर ने ये देखा कि ये ड्रग लेने के बाद 98% लोगों में ये कैंसर क्योर हो रहा है जबकि 2% लोगों जो 2% लोग हैं ये ड्रग लेने के बाद भी उनमें कैंसर क्योर नहीं हो रहा है. सो यहाँ पर रिसर्चर को अपनी रिजल्ट जो आ रहा है मीन्स ये भी मेंशन करना होगा अपने रिसर्च में कि 2% लोग ऐसे हैं जो ये ड्रग लेने के बाद भी क्योर नहीं हो रहे.
मीन्स यहाँ पर रिसर्चों को अपने रिजल्ट को हाइड नहीं करनी चाहिए, अपने प्रेफरेंस को अवॉइड करना चाहिए, और यू कैन से जो भी ट्रूथ है, जो भी फैक्ट्स है, उसको हाइड नहीं करनी चाहिए, एज इट इज रिजल्ट को अपने रिसर्च में मेंशन करना चाहिए. सो यस, ऑब्जेक्टिविटी इज रिलेटेड विद एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रूथ. दैट मीन्स योर ऑप्शन इज द राइट आंसर. देन वी हैव ऑप्शन बी, रेप्लीकेबिलिटी. सो रेप्लीकेबिलिटी मीन्स रिपीटेड. ओके, तो रिसर्चों को अपनी रिसर्च रिजल्ट को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि ताकि दूसरे लोग भी इस रिसर्च को रिपीट कर सके. दैट इज नोन एज रिप्लीकेबिलिटी. सो यस, ऑप्शन बी इज नॉट रिलेटेड विद द नॉट अप्रोप्रिएट आंसर विद द क्वेश्चन. सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी, क्वालिटी ऑफ डेटा. सो अगेन, क्वालिटी ऑफ डेटा इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो हियर अगेन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. So here correct option is option A, exact judgment of truth. Okay, next. Which term best describes the consistency of a measurement in research? So students, इस question में मैं find out करना है कौन सा term describe कर रहा है consistency of measurement. So here consistency means आप जितनी भी बार experiment perform कर रहे हो, आपका जो result है हर बार same ही होना चाहिए. Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक वेइंग मशीन है. ओके, सो वेइंग मशीन पर आपने वेट किया और आपका वेट पहली बार आया 50. देन आपने नेक्स्ट टाइम किया, आपका अगेन 50 आया. देन आपने नेक्स्ट टाइम किया, आपका अगेन 50 आया. दैट मीन्स ये वेइंग मशीन जो है ये रिलायबल है. मीन्स आप जितने भी बार आप वेट करोगे, सो आपका वेट सेम ही आना चाहिए. दैट इज नोन एज रिलायबिलिटी. सो यस, reliability here is the right answer, or reliability is a term which describes the consistency of measurement in research. Then here option B, scientific. Scientific means jahan par aap research mein scientific methods use karte ho. So here option B is not correct answer. Then we have option C, logical. Logical, yes, research hamari logical honi chahiye, logics pe based honi chahiye. Means here रिसर्च में हमारा कुछ ना कुछ लॉजिक के पीछे कुछ रीजन होना चाहिए. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट्स. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिलायबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एम्पिरिकल मीन इन रिसर्च. सो यस स्टूडेंट्स, हियर एम्पिरिकल इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक, यू कैन से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन रिसर्च. सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है विच इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट एम्पिरिकल इन रिसर्च. ओके, सो हियर ऑप्शन ए, रिसर्च बेस्ड ऑन बिलीफ. सो यस स्टूडेंट्स, हियर बिलीफ मीन्स अंधविश्वास. ओके, मीन्स जो कही सुनी बात है उस पर आप रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी, रिसर्च बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स. अगेन हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, बिकॉज इन कोरिलेशनल रिसर्च वी फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स, नॉट इन एम्पिरिकल. सो हियर व्हाट इज एम्पिरिकल. एम्पिरिकल मीन्स जब भी रिसर्चर अपने रिसर्च परफॉर्म करेंगे, सो रिसर्चर को अपने ऑब्जर्वेशन और यू कैन से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्च को परफॉर्म करना होता है, ना कि किसी की कही सुनी बात पर. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्व फेनोमेना ऑफ द रिसर्चर. ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ रिसर्च एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट शुड मेजर, देन वी से दैट रिसर्च हैज गुड. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा जो आउटपुट है और यू कैन से जो मेजरमेंट है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर है, तो ये रिसर्च के कौन से कैरेक्टरिस्टिक से इसका रिलेशन होगा. ओके, सो हियर लेट्स सी बाय टेकिंग एन एग्जांपल. एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. जैसे आपका मान लो एक्चुअल वेट है 60 kgs. ओके, और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका वेट आ रहा है अगेन 60 kgs. मतलब आपका जो एक्चुअल वेट है और आपने जो वेट किया मशीन में वो भी आपका 60 आ रहा है. दैट मीन्स ये एक्चुअल वेट और आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और यू कैन से जो आपने रिसर्च किया,
सो आपका रिसर्च करने के बाद भी 60 आ रहा है, सो ये सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, और ये मशीन को हम बोलेंगे वैलिड मशीन, और इसको हम कहेंगे दिस रिसर्च हैज गुड वैलिडिटी. सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वेयर एज रिलायबिलिटी मींस, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी में बहुत लिटिल डिफरेंस है. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. वेयर एज रिलायबिलिटी मींस, जब आप अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपका सेम ही रिजल्ट आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट अगेन 60 kg है मान लो, और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका आ रहा है 55 kg. अगेन आपने वेट किया, आपका आ रहा है 55 kg. अगेन आपने वेट किया, आपका आ रहा है 55 kg. सो आपका ये जो वेट है मशीन में 55, 55, 55 सेम ही आ रहा है, लेकिन आपका जो ये वेट है और एक्चुअल वेट में डिफरेंस है, इट इज नॉट इक्वल. सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स, ये मशीन यहाँ पर वेइंग मशीन तो रिलायबल है बट इट इज नॉट वैलिड. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन डी, कोरिलेशन. एज यू नो, कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स. ओके, सो हियर ऑप्शन डी इज अगेन इनकरेक्ट. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वैलिडिटी. ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल वेरिएबल्स इज अ टर्म यूज्ड इन. सो स्टूडेंट्स हियर, कंट्रोल वेरिएबल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च. सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कंट्रोल वेरिएबल्स हम किस रिसर्च में यूज करते हैं. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑप्शन सर्वे रिसर्च. तो सर्वे रिसर्च में हम पब्लिक से उनका रिस्पॉन्स लेते हैं. ओके, ना कि हम कोई वेरिएबल्स को इस रिसर्च में कंट्रोल करते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं, और यू कैन से कोई हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ना कि कोई वेरिएबल्स को कंट्रोल करते. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई फेनोमेना, इवेंट्स, और यू कैन से कोई टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, ना कि कोई वेरिएबल्स को कंट्रोल करते. दैट्स व्हाई अगेन हियर ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो यस, इट इज करेक्ट. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स दैट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. सो यस, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. और हियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं और उस वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. दैट इज नोन एज कंट्रोल वेरिएबल्स. ओके, सो कंट्रोल वेरिएबल्स इज अ टर्म यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्लिकेशन इन रिसर्च. सो स्टूडेंट्स हियर, रेप्लिकेशन, it is the another characteristic in research, or you can say this is very important characteristic in research. So here replication means repetition of research study. Okay, means research study ko repeat karna, that is known as replication. So here is question mein hame find out karna hai ki which option is correct about replication. So let's look at option A, gives readers enough detailed information that the research can be repeated. So yahan par रिसर्चर ने जो भी रिसर्च किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिसर्चर यहाँ पे डिटेल में बताते हैं ताकि जो दूसरे रिसर्चर है उस रिसर्च को रिपीट कर सके. सो यस, इट इज द करेक्ट अबाउट रेप्लिकेशन. देन ऑप्शन बी, कीप्स रिसर्चर्स ऑनेस्ट. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर रिसर्चर को डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है जो भी रिसर्चर ने रिसर्च किया है. सो यहाँ पर रिसर्चर को रेप्लिकेशन ऑनेस्ट रखता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कीप्स रिसर्चर्स ऑनेस्ट. देन वी हैव सी, गिव्स अदर्स कॉन्फिडेंस इन रिसर्च. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रेप्लिकेशन. मीन्स जब आपकी रिसर्च रेप्लिकेबल होती है तो अदर रिसर्चर आपके रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे उनको कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जो भी काम किया है वो सही होगा. दैट मीन्स हियर ऑल द थ्री ऑप्शन आर करेक्ट. So here correct option is option D, all the above. Okay, moving on to the next question. Following are the characteristics of research except. So students, इस question में हमें
कौन से ऑप्शन में रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है ये फाइंड आउट करना है. सो हियर ऑप्शन इज सिस्टमैटिक. सो यस इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च जहां पर आपको रिसर्च में कुछ स्टेप्स कुछ स्ट्रक्चर और यू कैन से सम प्रोसीजर फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. सो हियर ऑप्शन इज करेक्ट. देन ऑप्शन बी रेप्लिकेबल. सो यस अगेन रेप्लिकेबल इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च जहाँ पे रिसर्चर को अपने रिसर्च की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ताकि जो दूसरे रिसर्चर्स है उस रिसर्च को रिपीट कर सके. देन वी हैव ऑप्शन डी साइंटिफिक इंक्वायरी. सो यस अगेन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च जहाँ पर आपको साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. Then here option C is subjective approach. No, it is not the characteristic of research. So subjective approach. So researcher subjective way में कैसा अपने research को perform करते हैं अपने research को अपने preference को आगे रखते हैं researcher. Okay? और you can say जो भी facts होते हैं जो भी truth होते हैं उसको hide कर लेते हैं और जो भी result होते हैं उनको as it is mention नहीं करते. जैसे for example यहाँ पर researcher ने कोई drug फॉर्म किया है अगेन कोई डिसीज है ओके एक्सपायर्ड कोई डिसीज है. सो यहाँ पर रिसर्चर ने ये देखा ये ड्रग्स लेने के बाद 99% लोग क्योर हो रहे व्हाइल 1% लोग ऐसे हैं जो ये ड्रग लेने के बाद उनमें उनकी डिसीज क्योर नहीं हो रही है. दैट मींस हियर रिसर्चर यहाँ पर 1% को इग्नोर कर देंगे और यू कैन से नेग्लेक्ट कर देंगे और अपनी थियोरी को प्रूफ कर देंगे. सो Yes, that's why here subjective approach, it is not the characteristic of research. So your research should be, what is the opposite of subjective? Objective. Okay, so your research should be objective, not subjective. So here option C is the right answer, subjective approach. Okay, next. Increased exercise is likely to burn more calories is what type of correlation? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड करना है वो एग्जाम्पल किस कोरिलेशन टाइप में लाई करेंगी. ओके सो हियर एग्जाम्पल इज इंक्रीज्ड एक्सरसाइज. ओके सो यहाँ पर एक्सरसाइज आप ज्यादा करोगे सो आपकी कैलोरीज क्या होगी कैलोरीज भी आपकी ज्यादा बर्न होगी. सो यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों भी वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जब भी दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर पॉजिटिव कोरिलेशन और इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो स्टूडेंट्स आई होप द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च इज क्लियर टू एवरीवन एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट विल सी इन टुमारोज लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.